सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है द बीस पोस्ट। यहाँ पर आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा थैंक्स तुम सबको, जितने भी लोगों ने कल इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच। यूट्यूब फिक्स करने की ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या था। वो 13 तारीख को 13 जुलाई को जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया था सबका अनसब्सक्राइब हो गया था। बट यार बहुत ज्यादा शुक्रिया कल के वीडियो में इतना सपोर्ट देने के लिए। सो यार शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो न्यूज डैरेन कैल्डेरा को लेकर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सी डैरेन कैल्डेरा को साइन कराने के लिए इंटरेस्टेड है। उनका कॉन्ट्रैक्ट केएल आर्चर्स के साथ खत्म हो चुका है, उनको भी पे कट्स ऑफर हुआ है। अब वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी ऑफर किया गया है, तो दोनों एक साथ ही ऑफर किया गया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कट भी लेते हो तो आपको पे कट्स ही लेना पड़ेगा। सो वो भी एक रीजन हो सकता है कि डैरेन कैल्डेरा शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में चले जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड काफी बढ़िया ऑफर दे रहे हैं डैरेन कैल्डेरा को। जितना सुनने में डैरेन कैल्डेरा प्लेयर बहुत अच्छा, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो एटीके में भी खेले, मोहन बागान में भी खेले, केएल आर्चर्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा बट ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में जाके भी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एज 32 है और सेंट्रल मिडफील्डर, सो मुझे लगता है हो सकता है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काफी क्लोज है, जितना मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काफी क्लोज है डैरेन कैल्डेरा को साइन करवाने के लिए। सो ये काफी सही डील होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कर पाता है। तो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है आशुतोष मेहता को लेकर। तो आशुतोष मेहता जो कि मोहन बागान के प्लेयर थे, अभी एटीके मोहन बागान में आ चुके हैं और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सटेंड करवा लिया डीके मोहन बागान के साथ। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आशुतोष मेहता खेलते हैं राइट बैक, और राइट बैक में ऑलरेडी एक प्लेयर है जिसका नाम है प्रोबीत दास, हम सबको पता है। और प्रोबीत दास को, मतलब प्रोबीत दास को पीछे हटा के उनको डालना, उनको खिलाना एज अ राइट बैक, ये होना बहुत टफ है। एक्चुअली होता है जब दो चैंपियन टीम, एक एटीके और एक मोहन बागान, जब एक साथ आते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं और कंफ्यूजन में बहुत प्लेयर्स रह जाते हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स दोनों ही टीम में इतना ज्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्लेयर को मतलब खिलाओ या कौन सा प्लेयर को बेंच में रखो। तो मुझे लगता है आशुतोष मेहता बेंच में ही रहेंगे ज्यादा टाइम, कभी कभी मौका मिलेगा। अब वो ट्राई कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा सेंट्रल बैक या वैसे कुछ पोजीशन में खेल ले, या फिर प्रोबीत दास राइट मिडफील्डर आ जाए, मतलब वो राइट बैक है। बट मैं बस इसे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। बट हाँ, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया आशुतोष मेहता ने, जो काफी बढ़िया चीज है। एज अ सब्स्टिट्यूट आशुतोष मेहता एक नेक्स्ट लेवल सब होगा, अगर प्रोबीत दास और आशुतोष मेहता एज अ मतलब सब्स्टिट्यूट इन दोनों को ऐसा खरीदा गया है कि अगर कभी कोई इंजर्ड हुआ या फिर प्रोबीत दास फुल फिट नहीं है तो आशुतोष मेहता को खिला सकते हैं, या फिर वही नहीं तो प्रोबीत दास तो है। तो मुझे लगता है प्रोबीत दास ही मेन टीम में आएंगे, आशुतोष मेहता एज अ सब्स्टिट्यूट ही रहेंगे। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है जेजे लाल पिकलॉक को लेकर, ईस्ट बंगाल ने भी ऑफर कर दिया जेजे लाल पिकलॉक को। जी हाँ, और अभी कौन सा टीम में जाएंगे मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट ऑफर किया ईस्ट बंगाल ने। अगर होता है तो काफी बढ़िया डील होगा, वैसे तो होना बहुत टफ है क्योंकि बहुत सारे टीम्स ट्राई कर रहे हैं। अब ईस्ट बंगाल का चांसेस है ईस्ट बंगाल में, क्योंकि ईस्ट बंगाल ने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स खरीदे, अभी वो आईएसएल के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। हम लोग को पता चल ही जाएगा इस महीने के एंड तक, पता चल जाना चाहिए कि वो जा रहे हैं आईएसएल में या नई स्पॉन्सर्स सब इसी महीने में अनाउंस हो जाएंगे ईस्ट बंगाल के। और मुझे लगता है कि अगर जेजे लाल पिकलॉक को वो साइन करवाते हैं तो काफी बढ़िया डील होगा ईस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि वो आईएसएल में भी आएंगे, इतने सारे बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स उनके पास ऑलरेडी चांसेस है इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स का साइनिंग करवाने के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स ने बोल के रखा कि अगर ईस्ट बंगाल आईएसएल में आता है तो वो ईस्ट बंगाल के लिए साइन करेंगे, ईस्ट बंगाल ने ऑफर किया था। तो मुझे लगता है जेजे लाल पिकलॉक भी अगर ईस्ट बंगाल में जाते तो ये काफी बढ़िया होगा ईस्ट बंगाल के लिए। अब देखते क्या होता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है आगुस गार्सिया को लेकर, आगुस गार्सिया ने ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हाँ जी हाँ, बहुत लोगों को शॉक लगता है क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा था, बट उनका कोई फैमिली प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो फिर वापस चले गए स्पेन में। अब इसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो यही आगुस गार्सिया ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। सो हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, और क्या मैं बोल सकता हूँ। बट प्लेयर काफी अच्छा था एंड और एक दो साल खेल सकता था, बट कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, इसी वजह से शायद आगुस गार्सिया ने छोड़ दिया फुटबॉल करियर, मतलब फुटबॉल करियर। अभी शायद वो कोचिंग करेंगे या वैसे कुछ वो तो नहीं पता, बट हाँ अभी के लिए तो आगुस गार्सिया ने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया। फ्यूचर में जब कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एफसी गोवा को लेकर, एफसी गोवा रोनिवाल्डो मनांडो सेल्स को अब नहीं खरीद सकता क्योंकि उसको ऑलरेडी एक पैकर ने खरीद लिया है। सो अब ये हुआ क्यों, क्योंकि एफसी गोवा ने रोनिवाल्डो मनांडो सेल्स को के साथ बात पूरा आगे बढ़ाया ही नहीं, वो आधे मतलब एक इनिशियल स्टेजेस में बात चल रहा था, फिर उसमें होल्ड में रख दिया रोनिवाल्डो मनांडो सेल्स को। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, बहुत एकदम टॉप क्लास का प्लेयर नहीं है, बट एटलीस्ट एक एडवांस स्टॉक तक जाके फिर अगर वो डील को पोस्टपोन रखते तो काफी बढ़िया होता। अब मुझे नहीं पता वहां पे क्या ऐसा बात हुआ, या फिर जितना न्यूज निकल गया था कि तब तक तो रोनिवाल्डो मनांडो सेल्स के साथ एफसी गोवा का बात चल रहा था, बट उसके बाद अभी रोनिवाल्डो मनांडो सेल्स ने ऑलरेडी एफसी वैकेट ज्वाइन कर लिया है। तो कल एक्चुअली मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, सो मैंने सोचा एक बार वीडियो में भी ये कवर कर लेता हूँ कि रोनिवाल्डो मनांडो सेल्स
एससी गोवा में नहीं आएंगे, उन्होंने ऑफिशियली एससी वैकर के साथ साइनिंग कंप्लीट कर लिया है। एंड ये मैं नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा लॉस एससी गोवा के लिए, बट उतना अच्छा चीज भी नहीं एससी गोवा के लिए, कि बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है बट अच्छा प्लेयर ही था। सो अच्छा होता कि अगर एससी गोवा में आते तो ऑप्शनल रखना भी काफी सही चीज होता है। तो हाँ, एससी गोवा को अब एससी गोवा में नहीं आएंगे रोनिवाल्डो बर्नार्डो सिल्वा। तो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है अब आ रहा है इंटरनेशनल न्यूज में दो है, सो बता देता हूँ। सो थियागो जो की ब्रायन म्यूनिख के प्लेयर है और बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उनका जो स्किल है उनका वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो वो लिवरपूल में आ सकते हैं और वो इंटरेस्टेड, उन्होंने खुद बोला है कि वो लिवरपूल में आने के लिए रेडी है और लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है थियागो के ऊपर, कुछ दिनों से ही इंटरेस्टेड थे। और मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं लिवरपूल में तो ये काफी बढ़िया डील होगा लिवरपूल के लिए, क्योंकि थियागो जैसा प्लेयर अगर लिवरपूल में आते तो काफी डेडली कॉम्बो बनेगा लिवरपूल में। और लिवरपूल कल का मैच हार गया था, कल का नहीं मतलब आर्सेनल के साथ जो मैच था वो हार गया था 2-1 से, और कोई मौका नहीं है अब वो मतलब रिकॉर्ड पॉइंट्स बनाने का, जितना जो चांस था वो हाथ से निकल चुका है। सो हाँ, बट ये काफी सही चीज है अगर लिवरपूल थियागो को खरीद सकता है तो, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के लिए डेडली कॉम्बो हो जाएगा, क्योंकि डेडली टीम ही बन जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे फिर लिवरपूल के पास और ये काफी सही चीज होगा। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है रियल मैड्रिड को लेके। सो फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स रियल मैड्रिड फिर से बन गए ला लीगा चैंपियंस, और वो किसके मतलब ऑब्वियसली जिदान के अंडर ही वो ला लीगा चैंपियन बने। और मतलब जिनेदिन जिदान एक नेक्स्ट लेवल का कोच है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब देखो वीडियो में नहीं बोला है बट मैं बोलता हूँ नॉर्मली, मुझे पसंद है, मैं रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता हूँ एक्चुअली। सो ये काफी सही चीज है रियल मैड्रिड के लिए, एंड यार चैंपियन बन गए और क्या चाहिए। सो इससे सही चीज और क्या हो सकता है। सो ये कांग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड फॉर बिकमिंग ला लीगा चैंपियंस, स्पेनिश लीग चैंपियन, कुछ भी बोल लो। सो बस गाइस आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेजे लाल पिकलो को कौन सी टीम में जाना चाहिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।